Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. Hope you all are doing good. So let's begin the lecture of today. The lecture outline of today is the software processes, in which we will learn a generic process framework including certain framework and umbrella activities. Then we will learn process models. In process model we will learn waterfall, incremental, prototype and spiral models. So let's begin. सॉफ्टवेयर प्रोसेस. सो हमने लास्ट लेक्चर में ये सॉफ्टवेयर प्रोसेस देखा था और हमने कहा था कि चाहे जो सा भी सॉफ्टवेयर प्रोसेस है वो उसमें फोर फेजेस मस्ट होते हैं. सो दीज आर दी फोर मेन फेजेस दैट विल बी अ पार्ट ऑफ एनी सॉफ्टवेयर प्रोसेस आउट देयर. सो द फर्स्ट वन इज द स्पेसिफिकेशन, द सेकेंड वन इज डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन, देन वैलिडेशन एंड देन एवोल्यूशन. स्पेसिफिकेशन में वी डिफाइन व्हाट द सिस्टम इज गोइंग टू डू. In design, how we are going to make a system, and implementation, we actually code our system. In validation, we verify whether our system is actually doing what it was supposed to do. And in evolution, we maintain our system, we add on updates and etc. Let's go ahead. Software process framework. So framework is basically a standard way to build and deploy applications. Software process framework is the foundation of complete software engineering process. मतलब जितने भी आपके इंजीनियरिंग प्रोसेसेस हैं वट एवर दे, उसकी जितने भी उनकी तमाम प्रोसेसेस की जो फाउंडेशन है वो सॉफ्टवेयर प्रोसेस फ्रेमवर्क है. एक सॉफ्टवेयर प्रोसेस फ्रेमवर्क की दो तरह की एक्टिविटीज होती हैं, फ्रेमवर्क एक्टिविटीज एंड अम्ब्रेला एक्टिविटीज. सो लेट्स सी, हियर इज द डायग्राम ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोसेस फ्रेमवर्क. तो आप देखेंगे ये प्रोसेस फ्रेमवर्क है, इसके इनसाइड जो है आपके पास ये कुछ अम्ब्रेला एक्टिविटीज आ रही है, और अम्ब्रेला एक्टिविटीज के साइड साइड पे जो है वो फ्रेमवर्क एक्टिविटीज आ रही है. ये एक्टिविटीज क्या होती हैं और कौन कौन सी होती हैं ये हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे. फिलहाल वी हैव प्रोसेस फ्रेमवर्क जिसके कुछ फेजेस हैं. चाहे जो सा मर्जी सॉफ्टवेयर प्रोसेस है अगर वो इस फ्रेमवर्क से बिलोंग करता है, इस स्टैंडर्ड से बिलोंग करता है, तो वो इनिशियली जो हमने फोर फेजेस देखे थे, स्पेसिफिकेशन, डिजाइन, इम्प्लीमेंटेशन, वैलिडेशन एंड एवोल्यूशन, वो इसका पार्ट है. Then we have some umbrella activities, वो कौन सी हैं वो हम next slide में देखेंगे. Then we have some framework activities, ये भी हम next slides में देखेंगे. Then we have some task sets. Task sets से मुराद है कि जी आप अपने project को different tasks में divide कर देते हैं, उन tasks को certain persons को assign कर देते हैं, आप certain milestones और या work products रख लेते हैं, certain software quality assurance के points हो जाते हैं. तो ये बिल्कुल ऐसे ही है, फॉर एग्जांपल हमने एक लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम डिजाइन करना है तो हम उसके कुछ टास्क बना लेते हैं कि पहले लॉगिन बनाएंगे, फिर एम्प्लॉय ऐड का मॉड्यूल बनाएंगे, फिर बुक ऐड का मॉड्यूल बनाएंगे, बुक के इशू का, बुक के रिटर्न का, एंड सो एंड सो ऑन. ठीक है, तो इन ये जितने टास्क हम बना रहे हैं इन सबको हम टास्क या सर्टन माइलस्टोन्स हैं, वर्क प्रोडक्ट्स हैं, ये हम डिफाइन कर देते हैं. तो इस तरह से हमारे पास एक पूरी कंप्लीट सॉफ्टवेयर प्रोसेस फ्रेमवर्क बनता है. फ्रेमवर्क एक्टिविटीज, अब फ्रेमवर्क एक्टिविटीज़ जो है इनमें आ जाती हैं जी कम्युनिकेशन. अब ये कम्युनिकेशन आपकी टीम की कम्युनिकेशन भी है, ये कम्युनिकेशन आपकी प्रोडक्ट में जो इनसाइड कम्युनिकेशन, मतलब ऑल द कम्युनिकेशन दैट इज बीइंग गोइंग ऑन इन योर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल और इन योर प्रोजेक्ट विल बी पार्ट ऑफ दिस कम्युनिकेशन. प्लानिंग में आप प्लान करते हो कि भाई इस सिस्टम को डेवलप कैसे करना है, कौन से टास्क होंगे, कौन किस के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, कौन सा मेंबर कौन सी वाली जो है पर्टिकुलर माइलस्टोन पे वर्क कर रहा होगा, या कौन सी टीम वर्क कर रही होगी और कौन किसके लिए कैसे रिस्पॉन्सिबल होगा. मॉडलिंग में हम डिज़ाइन कर रहे होते हैं अपने कंप्लीट सिस्टम को, उसका आर्किटेक्चर, उसके नेटवर्क, उसके डिप्लॉयमेंट, उसके कंपोनेंट्स, एवरीथिंग. कंस्ट्रक्शन में ऑफकोर्स हम उसको कंस्ट्रक्ट कर रहे होते हैं, उसको इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं, अगर हार्डवेयर है तो हार्डवेयर मैन्युफैक्चर कर रहे होते हैं एक्सेट्रा. एंड इन डिप्लॉयमेंट वी सिंपली डिप्लॉय आवर पर्टिकुलर सिस्टम. तो ये फ्रेमवर्क एक्टिविटीज़ हैं. ये फ्रेमवर्क एक्टिविटीज हमारा मतलब ये वही एक्टिविटीज़ होगी जो हमें एक सॉफ्टवेयर सिस्टम बनाने के लिए चाहिए थी. जो एक्टिविटीज़ हम नॉर्मली एक सॉफ्टवेयर सिस्टम बनाने के लिए कर रहे होते हैं ये वही एक्टिविटीज़ हैं जो कि फ्रेमवर्क एक्टिविटीज़, जिनको हमने अब एक पर्टिकुलर नेम असाइन कर दिया, अम्ब्रेला एक्टिविटीज़. अच्छा, अब ये वो एक्टिविटीज़ है, बिल्कुल अम्ब्रेला के नेम से पता चल रहा है, मतलब अम्ब्रेला कीप्स यू सेम सेफ फ्रॉम द आउटर इन्वायरमेंट ना, फ्रॉम ड्रेन और फ्रॉम हीट एट्सेट्रा. तो ये वो एक्टिविटीज़ हैं जो आपको आपके प्रोडक्ट में या आपके जो प्रोजेक्ट या जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल चल रहा है उसमें अगर इस तरह का कुछ भी आपको हार्म है, फॉर एग्जाम्पल कोई रिस्क आ सकता है, या फॉर एग्जाम्पल आपका कुछ भी इस तरह से मसला है, तो ये एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने से आप इंश्योर कर सकते हो कि आप उस
आने वाले रिस्क को, अनफोर्सीन या फोर्सीन रिस्क को आप हैंडल कर सकते हो। तो अगर कोई रिस्क आता है तो वी हैव अ होल डोमेन ऑफ रिस्क मैनेजमेंट जिसकी डिफरेंट टेक्निक्स अप्रोचेज एंड वी डू दैट। देन सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस, सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस में हम अश्योर कर रहे होते हैं कि क्या सॉफ्टवेयर वो कर तो रहा है जो उसे करना चाहिए था, लेकिन क्या वो क्वालिटी वाइज भी कर रहा है कि नहीं कर रहा। फॉर एग्जाम्पल, आपने लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम बनाया जिसमें स्टूडेंट को ईमेल और पासवर्ड से लॉगिन होना चाहिए। अब स्टूडेंट ईमेल देता है, पासवर्ड देता है, लॉगिन पे क्लिक करता है, वो 2 घंटे बाद लॉगिन हो जाता है। तो लॉगिन तो हो गया, द सिस्टम इज एक्चुअली डूइंग व्हाट इट वाज सपोज टू डू, लेकिन क्या ये सही था कि वो 2 घंटे बाद लॉगिन हुआ है? नो, इट्स नॉट। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर क्वालिटी अश्योरेंस करते हैं। Then we have software configuration management, then we have certain measurements, then we have formal technical reviews. Formal technical reviews में हम जी देख रहे होते हैं, for example, कि आपने एक software बनाया, आप उसके जो हैं जो different technical persons हैं या जो उस domain से belong करते हैं, आप उनको अपना software देते हैं, they review your software, they give their certain feedback कि यहाँ पे maybe ये change आना चाहिए था, या ये वाला module मुझे अच्छा लगा, ये module मुझे पसंद नहीं आया, something like that. तो वो कुछ ना कुछ अच्छे टेक्निकल रिव्यूज़ दे रहे होते हैं। अच्छा, ये टेक्निकल रिव्यूज सिर्फ आपके प्रोडक्ट के नहीं होते, मतलब आपके इनर लेवल्स के भी हो सकते हैं। तो इन शॉर्ट, फॉर नाउ हम इसको बिल्कुल ब्रीफ लेवल पे रहते हुए, हम बिकॉज हम इंट्रोडक्शन टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का कोर्स करें, तो वी विल ओनली बी कवरिंग द इंट्रोडक्शन, वी विल नॉट बी गोइंग इन टू द इन डेप्थ डिटेल्स ऑफ ऑल ऑफ दिस। सो नेक्स्ट, सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल्स। सो वी हैव वाटरफॉल मॉडल। अच्छा, वाटरफॉल मॉडल जो है ये बिल्कुल जिस तरह से आपने एक रियल लाइफ वाटरफॉल भी देखी होगी, तो ये बिल्कुल उसके कुछ एक मैकेनिज्म पे बिल्ट एक मॉडल है। तो वाटरफॉल मॉडल में इट्स डाउनवर्ड अप्रोच, तो वंस आप एक स्टेप से दूसरे स्टेप पे आ गए, आप उसको वापस नहीं लेके जा सकते। ये एक प्लान ड्रिवन मॉडल होता है, इसके सेपरेट और डिस्टिंक्ट फेजेस होते हैं, कोई ओवरलैपिंग नहीं होती जी फेजेस की, एक फेज दूसरे फेज पे बिल्कुल ओवरलैप नहीं करेगा। मतलब ये कि एक दफ़ा वाटरफॉल में स्पेसिफिकेशन हो गई आपकी प्रोजेक्ट की, आप डिज़ाइन पर चले गए तो आप स्पेसिफिकेशन पे बैक नहीं जा सकते और आप स्पेसिफिकेशन को चेंज नहीं कर सकते। अब आपने डिज़ाइन करके इम्प्लीमेंट करके उसको वैलिडेट करके एंड देन आप मेंटेनेंस में जाओगे, वहाँ पे जब भी कुछ न्यू फीचर या समथिंग न्यू आते हैं, देन आप उस वाले पर्टिकुलर मॉड्यूल की दोबारा से आप जाके स्पेसिफिकेशन और सोन 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 करोगे, ठीक है। तो वाटरफॉल मॉडल इज अ प्लान ड्रिवन मॉडल, आप पूरा प्लान करते हो और फिर आप अपनी प्रोजेक्ट को जो है वो डिवेलप करते हो। इंक्रीमेंटल डिवेलपमेंट, इंक्रीमेंटल डिवेलपमेंट में जी स्पेसिफिकेशन, डिवेलपमेंट, वैलिडेशन, ये सारी की सारी जितनी एक्टिविटीज हैं ये इंटरलीव्ड एक्टिविटीज होती हैं। ये प्लान ड्रिवन भी हो सकती हैं और ये एजाइल भी हो सकती हैं। मजीद डिटेल हम नेक्स्ट स्लाइड्स में देखते हैं। नेक्स्ट है जी रीयूज ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। अब रीयूज ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में ये है कि फॉर एग्जांपल आपने एक सॉफ्टवेयर सिस्टम बनाना है और आप उसको असेंबल कर रहे हो फ्रॉम एग्जिस्टिंग कंपोनेंट्स। लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम बनाना है, आपको आपने पहले कोई एक सॉफ्टवेयर बनाया था जिसमें लॉगिन का भी मॉड्यूल था, एम्प्लॉय मैनेजमेंट का मॉड्यूल था, तो आपने वो मॉड्यूल वहाँ से पिक किया, एज इट इज इसमें उसको डुप्लीकेट कर दिया विद माइनर चेंजेस। तो इसको हम कहते हैं जी रीयूज करना, कि आपने ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग कंपोनेंट थे उनसे अपना सिस्टम जो है असेंबल किया। वंस अगेन ये भी प्लान ड्रिवन भी हो सकता है और एजाइल भी हो सकता है। तो वाटरफॉल मॉडल जो था हमारे पास ये प्लान ड्रिवन था, इंक्रीमेंटल और रीयूज ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ये दोनों मॉडल्स जो थे ये प्लान ड्रिवन भी हो सकते हैं और एजाइल भी हो सकते हैं। अच्छा, इन प्रैक्टिस मोस्ट लार्ज सिस्टम्स आर डेवलप्ड यूजिंग अ प्रोसेस दैट इनकॉर्पोरेट्स एलिमेंट फ्रॉम ऑल दीज मॉडल्स। तो ये हमारे पास जो है आपके पास सामने एक वाटरफॉल मॉडल है। तो इसमें जिस तरह मैंने आपसे पहले कहा था कि एक दफ़ा आपने रिक्वायरमेंट डेफिनेशन कर दी, तो अब आप आगे सिस्टम एंड सॉफ्टवेयर डिज़ाइन पे अब आपने बैक नहीं जाना। आप देख रहे हैं कोई बैकवर्ड एरो नहीं है, सिस्टम एंड सॉफ्टवेयर डिज़ाइन से बैक कोई एरो नहीं जा रहा है यहाँ तक। यहाँ ये कंप्लीट कर लिया, फिर आप इंप्लीमेंटेशन एंड यूनिट टेस्टिंग, यूनिट टेस्टिंग में आप देख रहे होते हैं कि सिस्टम का जो छोटा सा छोटा पार्ट है, मतलब फंक्शन लेवल पे कह लिया जस्ट एन एग्जांपल, कि वो इंडिपेंडेंटली वो ठीक काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, उसको हम कहते हैं यूनिट टेस्टिंग। इंटीग्रेशन एंड सिस्टम टेस्टिंग में आप उन छोटे छोटे पार्ट्स को इंटीग्रेट करके तो आप देख रहे होते हो क्या ये पार्ट्स सही काम कर रहे हैं कि नहीं, और जब आप उन पार्ट्स को भी इंटीग्रेट करके कंप्लीट सिस्टम की टेस्टिंग कर रहे होते हो तो उसको हम सिस्टम टेस्टिंग कहते हैं। तो वी हैव 3 लेवल्स ऑफ टेस्टिंग फॉर नाउ, यूनिट, इंटीग्रेशन एंड सिस्टम टेस्टिंग। इसके बाद जी जब हमने टेस्टिंग्स बेसिकली हम वो वैलिडेशन वाला काम कर रहे हैं कि क्या हमारा सिस्टम जो काम उसे करना चाहिए था क्या वो कर रहा है या नहीं कर रहा।
एंड देन वी हैव ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस, इसमें हम सिस्टम को मेंटेन कर रहे होते हैं। अच्छा अब आप देखें तो ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस के बाद यहाँ से ये एरोज जो है ना ये बैक जा रहे हैं, ये इसमें से एरो वापस जा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस में आपको कोई बग मिल गया, यू फाउंड अ बग एट अ सिस्टम लेवल लेट्स से, तो ठीक है आप यहाँ पे इस वाले लेवल पे आके उस बग को रिमूव करके उसको टेस्ट करके दोबारा आप ऑपरेशन मेंटेनेंस पे आ जाते हैं। वो बग रिमूव होना था जी, मे बी इट वॉज अ बग ऑफ कोडिंग, तो आप यहाँ पे आते हो और उसको कोड में ठीक करते हो यहाँ आ जाते हो, या वो बग डिजाइन का था यहाँ आते हो उसको ठीक करते हो, ये सारे स्टेप्स रिपीट करते हो आप यहाँ आ जाते हो, या अगर कोई नया मॉड्यूल ऐड होना था तो आप यहाँ जाते हो उसकी रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन करते हो, डिजाइन करते हो, इम्प्लीमेंट करते हो, यूनिट टेस्ट करते हो, इंटीग्रेट और सिस्टम टेस्टिंग इन दैन ऑफ। लेकिन ये चलेगा एक सीक्वेंस में और ये तमाम के तमाम आप देखें फेजेस जो है ये डिस्टिंक्ट है, इनमें कोई ओवरलैपिंग नहीं है, आप एक कंप्लीट करोगे आप फिर उसके बाद आप नेक्स्ट पे फेज पे जाते हो। तो दिस इज द वॉटरफॉल मॉडल। वॉटरफॉल मॉडल में हमारे पास जी फेजेस हैं जी, रिक्वायरमेंट एनालिसिस एंड डेफिनेशन, सिस्टम एंड सॉफ्टवेयर डिजाइन, इंप्लीमेंटेशन एंड यूनिट टेस्टिंग, इंटीग्रेशन एंड सिस्टम टेस्टिंग, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस। ये वही फेजेस हैं जी जो हमने पिछली वाली स्लाइड में यहाँ पे हमने देखे हैं। The main drawback of the waterfall model is the difficulty of accommodating change after the process is underway. For example, requirement analysis and definition आपने करके आप system and software design पर चले गए और आप कोई change आता है तो you cannot go back, आप वापस नहीं जा सकते, waterfall है ना, पानी ऊपर से नीचे आएगा, आप वापस ऊपर नहीं जा सकते, तो you cannot go back, आपको ये complete करते हुए जब end पे आप maintenance level पे आते हो फिर आप जो है वो दोबारा उसको back पे मेंटेनेंस फेज में आके फिर आप उसको एक न्यू मॉड्यूल के तौर पे या एक नई वेरिएंट के तौर पे हैंडल करते हुए फिर आप जाके उसके ऊपर से जाते हो और चेंज करते हो। इन प्रिंसिपल अ फेज मस्ट बी कंप्लीट बिफोर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट फेज, मतलब सिस्टम के डिजाइन करने से पहले उसकी रिक्वायरमेंट एनालिसिस और डेफिनेशन कंप्लीट होनी चाहिए और टेस्टिंग या इंप्लीमेंटेशन करने से पहले उसका डिजाइन कंप्लीट होना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि आपको कि अच्छा कुछ रिक्वायरमेंट्स एनलिस्ट कर दिए तो इनको डिजाइन कर लेते हैं बाकी साथ साथ, नहीं ये नहीं होगा। वॉटरफॉल में एक स्टेप कंप्लीट होगा फिर दूसरा फिर तीसरा फिर चौथा एंड सो ऑन। इन फ्लेक्सिबल पार्टिशनिंग ऑफ द प्रोजेक्ट इनटू डिस्टिंक्ट स्टेजेस मेक्स इट डिफिकल्ट टू रिस्पॉन्ड टू चेंज इन कस्टमर रिक्वायरमेंट्स, मतलब आपने एक दफा सारी रिक्वायरमेंट्स लिस्ट कर दी एंड इट्स डन डील, अब आपका कस्टमर का रिक्वायरमेंट ड्यूरिंग द प्रोसेस चेंज करता है तो आप कहोगे कि ये नेक्स्ट जो है हमारे वर्जन में जाएगी, इसमें आप उसको चेंज को अकोमोडेट नहीं कर सकते। Therefore, the waterfall model is only appropriate when the requirements are well understood and changes will be fairly limited during the design process. तो normally ये हम ऐसे systems में use कर रहे होते हैं जो traditional systems होते हैं जिनकी requirements ना बहुत साल हाँ साल अरसा वर्षा वो कम सही चलती वही चलती आ रही है, we know कि इंडिया ये requirements होंगे, for example management systems certain हैं तो उनकी मोस्ट प्रोबेबली जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो वही होती हैं जी, मैनेजमेंट सिस्टम में क्रड ऑपरेशन है जी, ऐड कर दो, अपडेट कर दो, डिलीट कर दो, सर्च कर दो। फ्यू बिजनेस हैव स्टेबल रिक्वायरमेंट्स, अब ये वो बिजनेसेस हैं जो बहुत ओल्ड बिजनेसेस हैं, दे आर रनिंग फ्रॉम डेकेड्स, तो दे आर श्योर अबाउट देयर रिक्वायरमेंट्स और उनकी रिक्वायरमेंट्स में जो है वो इतनी चेंज नहीं आ रहा, लेकिन एक न्यू बिजनेस जो है तो उसकी रिक्वायरमेंट में इतना ज़्यादा चेंज होता है कि दे कीप ऑन चेंजिंग विद इन डेज। The waterfall model is mostly used for large system engineering where a system is developed at several sites, matlab different sites pe system develop ho raha hai, so to ensure ke sab kuch jo hai wo bilkul perfect level pe ja ke ho we use waterfall। Fayda ye hai ke ji hame pata hai ke jab tak requirement specifications complete nahi honi tab tak design pe nahi jana, to once requirement specification ka done deal ho gayi sabne okay kar diya tabhi hum uski design level pe jayenge। The plan-driven nature of the waterfall model helps coordinate the work. So we know कि अभी requirement specification पे है तो अभी design नहीं हो सकता, या अगर design पे आ गई है team तो it means requirement specification complete हो चुकी है, it's a done deal there. So waterfall model mainly ये इसके 5 phases हैं जिनको हमने briefly discuss कर लिया, इसके briefly drawbacks और pros and cons discuss कर लिए। Let's go next, incremental model. इंक्रीमेंटल मॉडल में अब आप इंक्रीमेंट्स में सिस्टम डेवलप कर रहे हो, अब देखिए सो आपने पहले एक सिस्टम की डिस्क्रिप्शन बता दी, मतलब आपने यू हैव इनलिस्टेड के व्हाट द सिस्टम इज सपोज टू डू, उसने करना क्या है आपने मेंशन कर दिया, एक ब्रीफ सी बस आउटलाइन सी उसकी आगे,
उसके बाद आप कंकरेंट एक्टिविटीज हैं, अब जैसे जैसे रिक्वायरमेंट्स आती जा रही है, मतलब जैसे जैसे स्पेसिफिकेशन आपके पास आती जा रही है, आप उसको डिजाइन करके उसको डिवेलप करते हो, उसको वैलिडेट करते हो, वैलिडेशन में कोई मसला आता है कुछ भी, मतलब कोई चेंज है तो आप वापस उसको डेवलपमेंट में या उसको वापस आप स्पेसिफिकेशन में लेके जा सकते हो। ये तीनों एक्टिविटीज करने के बाद जब आपका एक मॉड्यूल या जब आपकी एक रिक्वायरमेंट या जब आपका एक माइलस्टोन या जब आपका एक टास्क जो है वो कंप्लीट हो जाता है या एक सिस्टम जो है वो डिप्लॉयमेंट के काबिल हो जाता है, उसमें इतनी उसकी इतनी ग्रोथ हो जाती है, तो आप उसको डिप्लॉयमेंट में ले जाते हो। अब डिप्लॉयमेंट भी मल्टीपल लेवल्स हैं। अगर आपकी ये फर्स्ट डिप्लॉयमेंट है, मतलब बिल्कुल पहला वर्जन आपने सिस्टम का डिप्लॉय किया, तो हम उसको कहते हैं जी इनिशियल वर्जन। इनिशियल वर्जन डिप्लॉय होने के बाद ये एक्टिविटीज कंकरेंटली चलती रहती हैं, इनको आप मेंटेनेंस में भी कह सकते हो या सब, राइट। और उसके बाद इनिशियल वर्जन के बाद जितनी आपकी वर्जन आ रहे हैं उनको हम कहते हैं इंटरमीडिएट वर्जन। ये वेरी करते हैं जी, वन टू जितने भी आप चाहें उतने इंटरमीडिएट वर्जन आ सकते हैं, और इनमें माइनर और मेजर वर्जन होते हैं। नॉर्मली एंड्रॉयड एप्लीकेशन में अगर आप में से कोई गेम्स वगैरह या कोई भी एंड्रॉयड एप्लीकेशन आप यूज़ कर रहे हो तो उनकी मंथली जो है उनके वर्जन आ रहे होते हैं, वो माइनर वर्जन होते हैं, और आफ्टर 6-7 months उनके मेजर वर्जन आ रहे होते हैं। एंड देन व्हेन यू डिसाइड कि बस ठीक है अब हमारी एप्लीकेशन इज फुली फंक्शनल एंड इट्स फुली रेडी, तो आपका जो फाइनल वर्जन आता है उसको हम फाइनल वर्जन कहते हैं। सो दिस वॉज इंक्रीमेंटल मॉडल। ये कुछ इसका कैलेंडर टाइम है जी, बिकॉज ये जो एक्टिविटीज़ हैं ये कंकरेंट चल रही हैं, तो दिस इज़ वेरी मच पॉसिबल कि जब आपका एक इंक्रीमेंट जो था नंबर वन इंक्रीमेंट, वो लेट्स से जी वो हमारे पास कंस्ट्रक्शन फेज पे था, तो उस टाइम पे इंक्रीमेंट टू जो था वो अपनी कम्युनिकेशन स्टेज पे था, और जब इंक्रीमेंट टू जो था वो कंस्ट्रक्शन स्टेज पे था तो कोई इंक्रीमेंट नंबर एन जो था वो कंस्ट्रक्शन स्टेज पे था। तो ये कुछ इस तरह से कैलेंडर बन जाता है जो बताता है कि जब ये वाला इंक्रीमेंट इस स्टेज पे पहुंचेगा तो इस वाले इंक्रीमेंट की ये वाली एक्टिविटी स्टार्ट हो जानी चाहिए या हो चुकी होगी। तो एक कैलेंडर सा इस तरह से डिवेलप हो जाता है। अभी इंक्रीमेंट्स होते क्या हैं, ये सर्टन माइलस्टोन्स होते हैं, ये आपके सर्टन टास्क हो सकते हैं, ये सर्टन मॉड्यूल्स हो सकते हैं। तो मतलब द प्रोजेक्ट लीड और द प्रोजेक्ट सुपरवाइजर डिवाइड दीज मेक दीज इंक्रीमेंट्स। तो इन तमाम इंक्रीमेंट्स को जब आप खत्म कर लेते हैं तो आपका एक सिस्टम जो है वो कम्प्लीटली रेडी हो जाता है। प्रोज ऑफ द इंक्रीमेंटल मॉडल है जी कॉस्ट। The cost of accommodating changing customer requirement is reduced. क्योंकि concurrently आपकी activities चल रही हैं तो जब जब customer का कोई change आता है anything, आप बहुत easily उसको जो है वो accommodate कर सकते हो। The amount of analysis and documentation that must be redone is much less than that is required within the waterfall model. क्योंकि आपके concurrently सब कुछ चल रहा है, आप उसी एक increment को अगर आगे जा रहा है तो दूसरा increment जो है वो specification mode में or something, आप जो है वो चेंज को भी एकोमोडेट कर रहे हो, अगेन एंड अगेन वही प्रोसेसेस आप रिपीट कर रहे हो, तो इट्स क्वाइट इजी। अच्छा इसमें एक और बात भी है, वाटरफॉल मॉडल में जब आपकी रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन मतलब स्पेसिफिकेशन ऑफ द सिस्टम चल रही है तो डिजाइन टीम आपकी फ्री में होती है, तो वो भी आपका रिसोर्स जो है वो कुछ इट्स कंसिडर्ड एज कि वो वेस्ट हो रहा है। कस्टमर फीडबैक, इट इज ईजियर टू गेट कस्टमर फीडबैक ऑन द डिवेलपमेंट वर्क दैट हैज बीन डन, क्योंकि आप उसकी रिलीजेज जा रही हैं इनिशियल वर्जन इंटरमीडिएट और फिर उसके फाइनल, तो इंटरमीडिएट जित वर्जन जाते जा रहे हैं तो द कस्टमर कैन गिव यू देयर फीडबैक। कस्टमर कैन कमेंट ऑन डेमोन्स्ट्रेशंस ऑफ द सॉफ्टवेयर एंड सी हाउ मच हैज बीन इंप्लीमेंटेड एंड हाउ मच इज रिमेनिंग। अच्छा रैपिड डिलीवरी एंड डेवलपमेंट, मोर रैपिड डिलीवरी एंड डेवलपमेंट ऑफ यूजफुल सॉफ्टवेयर टू द कस्टमर इज पॉसिबल। कस्टमर कैन यूज एंड गेन वैल्यू फ्रॉम द सॉफ्टवेयर अर्लियर देन इज पॉसिबल विद द वॉटरफॉल मॉडल। वॉटरफॉल में जब तक कंप्लीट सॉफ्टवेयर सिस्टम डेवलप नहीं हो जाता तब तक आप उसको डिप्लॉय नहीं कर सकते, जबकि इसमें आप उसको वर्जन वाइज डिप्लॉय कर सकते हो। कौन से हैं जी इंक्रीमेंटल मॉडल के डिफिकल्ट टू असेस प्रोग्रेस, इसकी रीजन ये है कि जी जो इंक्रीमेंटल मॉडल है इट्स नॉट विजिबल, कंकरेंटली चल रहा है, और वो पूरे के पूरा आपने देखा जो कैलेंडर बना था वो इट वॉज अ कॉम्प्लेक्स कैलेंडर, जस्ट इमेजिन हैविंग 50 to 100 even 50 increments in that particular calendar. So managers need regular deliverables to measure progress. If systems are developed quickly, it is not cost effective to produce documents that reflect every version of the system. अब अगर एक सिस्टम में जो है वो चेंज बहुत ज़्यादा आ रहा है तो it's time taking कि आप उसको हर उसके चेंज के corresponding जो है एक नया वर्जन क्रिएट करना शुरू करते हैं। सिस्टम डिग्रेड ओवर टाइम, सिस्टम स्ट्रक्चर टेंड्स टू डिग्रेड एज न्यू इंक्रीमेंट्स आर एडेड। Unless time and money are spent on refactoring to improve the software regular, change tends to corrupt its structure. Incorporating further software changes become increasingly difficult and costly.
नेक्स्ट है जी हमारे पास एवोल्यूशनरी मॉडल्स, जिनमें हमारे पास है जी प्रोटोटाइपिंग मॉडल। प्रोटोटाइपिंग मॉडल इट इज एन इफेक्टिव पैराडाइम फॉर द सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। जनरली इन दिस मॉडल डेवलपर्स लिसन टू द कस्टमर कि कस्टमर को कैसा सॉफ्टवेयर चाहिए, उसमें क्या क्या होना चाहिए एटसेट्रा। देन दे डिजाइन अ पर्टिकुलर प्रोटोटाइप एंड देन दे टेस्ट द प्रोटोटाइप, दे टेक द कस्टमर फीडबैक एंड एटसेट्रा। द प्रोसीजर ऑफ लिसनिंग टू द कस्टमर, डिजाइनिंग अ प्रोटोटाइप एंड टेस्टिंग द प्रोटोटाइप इज रिपीटेड अंटिल ऑल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द सिस्टम आर आइडेंटिफाइड एंड अ सिस्टम कैन बी डिजाइंड। अच्छा, ये प्रोटोटाइपिंग मॉडल हम वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ पे हमारा जो सिस्टम है ना वो बहुत कॉम्प्लेक्स होता है एंड इवन दी एंड कस्टमर डजंट नो व्हाट द व्हाट ही वांट्स फ्रॉम अ सिस्टम। तो उसमें हम प्रोटोटाइपिंग मॉडल यूज़ करते हैं। हम उसको कस्टमर ने जितना बताया उतना प्रोटोटाइप बनाया, टेस्ट किया, अगेन फीडबैक लिया, बनाया, अंडे अनलेस हम एक कम्प्लीट सिस्टम तक नहीं पहुँचाते। जब तक ये तब उन सिनेरियोज में हमारे पास प्रोटोटाइपिंग मॉडल अच्छा होता है जहाँ पे हमें सिर्फ जनरल ऑब्जेक्टिव ऑफ द सॉफ्टवेयर पता है कि सॉफ्टवेयर ने ये करना है, जनरल वी जस्ट नो द जनरल ऑब्जेक्टिव। डिटेल रिक्वायरमेंट ऑफ इनपुट प्रोसेसिंग एंड आउटपुट आर नॉट आइडेंटिफाइड। अभी आपको नहीं पता इनपुट्स कैसे लेनी है, आउटपुट किस फॉर्मेट में आनी है, प्रोसेसिंग कैसे होनी है, यू हैव नो आइडिया, यू जस्ट नो हैव आइडिया ऑफ अ जनरल ऑब्जेक्टिव। एफिशिएंसी ऑफ द एल्गोरिथम दैट वी आर गोइंग टू यूज इज नॉट श्योर्ड और अडेप्टेबिलिटी कैन टेक प्लेस, मतलब द सिस्टम नीड्स टू बी अडेप्टेबल और समथिंग, तो हम उसमें प्रोटोटाइपिंग यूज करते हैं। प्रोटोटाइपिंग मॉडल की जो ऑब्जेक्टिव है इज डिफाइंड रूल्स आर यूज इन द प्रोटोटाइप टू आइडेंटिफाई द डिटेल रिक्वायरमेंट सिंपली। सो प्रोटोटाइपिंग में हुआ क्या, कम्युनिकेशन से प्लान बना, क्विक प्लान बना, इसमें आप टाइम नहीं स्पेंड करते जिस तरह पोर्टफोलियो इंक्रीमेंटल में आप टाइम स्पेंड कर रहे हो ना बहुत ज़्यादा, इसमें वो नहीं होगा। आप जल्दी प्लान करते हो उसको, जो भी प्लान किया उसके कोरस्पॉन्डिंग डिजाइन, उसके कोरस्पॉन्डिंग एक प्रोटोटाइप और उसको फिर डिलीवर और फीडबैक करके एंड अगेन दोबारा ये प्रोसेस चल जाता है, तो आप प्रोटोटाइप बनाते हो, इसको हम कहते हैं प्रोटोटाइपिंग। नेक्स्ट हमारे पास प्रोटोटाइप डेवलपमेंट में ये वही चीज़ उसने एक्सप्लेन किया है कि जी जब हम प्रोटोटाइप की ऑब्जेक्टिव्स ले ली तो उसको हम कहते हैं कि जी ये प्रोटोटाइपिंग प्लान है, फिर उसकी फंक्शनैलिटी तो वो आउटलाइन डेफिनेशन, फिर आप डेवलप प्रोटोटाइप तो वो एग्जीक्यूटेबल प्रोटोटाइप, देन इवैल्यूएट प्रोटोटाइप तो वैल्यूएशन रिपोर्ट निकल आती है हमारे पास, ये प्रोटोटाइप की डेवलपमेंट है। नेक्स्ट एवोल्यूशनरी मॉडल में आता है जी स्पाइरल मॉडल। स्पाइरल मॉडल जो है जी ये क्या कर रहा होता है, अगर आप देखें तो ये यहाँ से स्टार्ट हुआ, कम्युनिकेशन की, डेवलपमेंट किया, प्लान किया और डिटरमिन ऑब्जेक्टिव, यहाँ तक आते आते एक प्रोटोटाइप रेडी हो गई, देन यही प्रोसेस अगेन दोबारा किया, दूसरी प्रोटोटाइप अगेन किया, तीसरी एंड अगेन सो कीप ऑन गोइंग इन अ स्पाइरल टू डिजाइन मल्टीपल प्रोटोटाइप्स। लेट्स सी फॉर मोर। तो स्पाइरल मॉडल बेसिकली कपल्स द आइटरेटिव नेचर ऑफ प्रोटोटाइपिंग विद द कंट्रोल्ड एंड सिस्टमैटिक एस्पेक्ट्स ऑफ द वाटरफॉल मॉडल, मतलब पहले प्लानिंग किया, फिर डिजाइन किया, फिर कंस्ट्रक्ट किया, फिर डिप्लॉय, फिर उसको वो सब कुछ, ठीक है। तो वाटरफॉल मॉडल के जो एक सिस्टमैटिक एस्पेक्ट है ये उसको और प्रोटोटाइपिंग की जो आइटरेटिव नेचर है ये दोनों को कंबाइन करता है और स्पाइरल मॉडल बनाता है। इट प्रोवाइड्स द पोटेंशियल फॉर रैपिड डेवलपमेंट ऑफ इंक्रीजिंगली मोर complete versions of the software. Each phase is completed with a review by the people concerned with the project. Spiral model is a risk-driven process model. आपने देखा हम यहाँ पे risk assessment कर रहे हैं, identify risks. So it's a risk-driven process model. इसकी दो main features हैं. एक cyclic approach है, मतलब आप देखें तो ये start हो रहे हैं and it goes in a spiral or a circular. तो cyclic approach है, incrementally हम एक system को grow करवा रहे हैं. So incrementally a system's degree of definition and implementation while decreasing its degree of risk. So जैसे जैसे हम system में आगे जा रहे हैं, prototype 1 से 2 पे जाते हैं, 2 से 3, 4, 5, तो risk decrease होता जाता है और system जो है वो grow करता जाता है। A set of anchor point milestone, a combination of work product and conditions that are attained along the path of the spiral. मतलब आप different milestones हैं और उनको मिलाते जाते हो, जैसे जैसे अचीव करते जाते हो, करते करते आप एक एंड प्रोडक्ट तक पहुंच जाते हो। स्पाइरल मॉडल के जो कॉन्स हैं जी, उनमें कस्टमर एक्सेप्टेबिलिटी, इट मे बी डिफिकल्ट टू कन्विंस सर्टेन कस्टमर्स दैट द एवोल्यूशनरी अप्रोच इज एक्चुअली कंट्रोलेबल, पर्टिकुलरली जब कॉन्ट्रैक्ट प्रोजेक्ट्स बनते हैं। इट डिमांड्स कंसिडरेबल रिस्क असेसमेंट एक्सपर्टीज एंड रिलाइज ऑन एक्सपर्टीज फॉर सक्सेस। If a major risk is not uncovered and managed, problems will occur.
ये स्पाइरल मॉडल था जी हमारे पास। तो आज के लेक्चर में हमने जो है सॉफ्टवेयर प्रोसेस फ्रेमवर्क देखा, उसकी फ्रेमवर्क एक्टिविटीज, अम्ब्रेला एक्टिविटीज देखी हमने, देन हमने इन वॉटरफॉल मॉडल, इंक्रीमेंटल प्रोटोटाइपिंग एंड स्पाइरल मॉडल देखा। होप दिस लेक्चर हैज हेल्प्ड यू ऑल। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज फील फ्री टू कमेंट बोलो। हैव अ नाइस डे एवरीवन। अल्लाह हाफिज़।